अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल फिट फाट होगी, मज़े में होगी। एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का आपको टाइटल से तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपने शूज़ कलेक्शन, यानी वेडिंग शूज़, जो कि बड़ी के जूते हैं मेरे वो सब। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी, ये सारे वो शूज़ हैं मेरे बनी के, जो कि बॉक्सेस में मेरे रखे हुए हैं। तो अब इसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो पहले तो मैं इन सब बॉक्सेस को बारी बारी यहाँ से निकालती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को सारे शूज़ जो है रख के दिखाऊंगी डिटेल में, तसल्ली से। वहाँ पर जो एक बॉक्स है उसमें साकिब के शूज़ है, तो उसे वहीं पे रहने देते हैं। और इन सब बॉक्सेस को मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, और इनसे शूज़ को भी बाहर निकाल चुकी हूँ। तो ये सब मैंने यहीं पे रख दिए हैं। और अब मैं आप लोगों को ये जो है मेरे कुछ गुस्से हैं, कुछ जो है मेरे पम्प्स हैं, कुछ मेरी हील्स हैं, और बस ये सारे मेरे जूते हैं। तो अब इसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को डिटेल में। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस डोर को क्लोज़ करती हूँ, और उसके बाद जो है मैं सुकून से बैठ जाऊँगी। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सबसे पहले खुस्से से। तो ये है खुस्से, जो कि सिल्वर, गोल्डन और ब्लैक है, इन कलर्स में है। तो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर्स हैं, गोल्डन, ब्लैक एंड सिल्वर। तो ये मैं लाजमी आप लोग को रिकमेंड करूँगी, जिनकी शादी हो रही है या जिनकी शादी करीब है या जो शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो ये तीन जो कलर्स हैं ना, वो लाजमी आप लोग अपने शूज़ कलेक्शन में रख लें। पहले हमारे पास जो है ये ब्लैक खुस्से हैं, इसे आप ब्लैक सूट के साथ, गोल्डन के साथ और ब्राउन सूट के साथ पहन सकते हैं। और अब मैं इसे ट्राई करती हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पे हैं वो गोल्डन खुस्से हैं। तो ये भी आपके जो है, अगर आपका गोल्डन सूट है तो उस पर चल जाएगा, या किसी भी सूट में गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई है तो ये उसके साथ आसानी से आपका चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे ट्राई करती हूँ, और ये कुछ इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं तिल्ला तिल्ला से इस पर वर्क हुआ है। नेक्स्ट है वो है सिल्वर, और ये जो है आप वाइट सूट के साथ आपका चलेगा, या किसी भी सूट में आपकी सिल्वर एम्ब्रॉयडरी हुई है तो ये उस पर आसानी से आपका चल जाएगा। तो ये भी बड़ा खूबसूरत है, और काफ़ी पहना है, और अब ट्राई करती हूँ। अब ये तीनों खुस्से मेरे हो चुके हैं, और अब आते हैं इन जूतों पे। तो इसमें अब आते हैं, ये है मेरे सुपर कंफर्ट जो है, जो मुझे लगते हैं मेरे जूतों में, वो यही है। तो ये है लीज़ा के, और जो है ये काफ़ी जो है कंफर्टेबल है। इससे मेरी शादी को जो है 4-5 मंथ्स हो चुके हैं, और इसे मैंने लास्ट वीक ही फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और मैंने पहना तो ये बहुत मुझे कंफर्टेबल लगा। और अब मैं इसे ट्राई करती हूँ। बाद हमारे पास ये पम्प्स आते हैं, और ये पम्प्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और ये मैंने बहुत पहने भी हैं। दीज आर सुपर कंफर्टेबल। तो इस तरह के न्यूड्स जो कलर है वो भी आप लोग अपने, जिनकी शादी होने वाली है, लाजमी इस तरह के न्यूड्स कलर रखा करें अपनी शूज़ कलेक्शन में। और मुझे तो पम्प्स और ये खुस्से तो मुझे सच में बहुत पसंद है हील के मुकाबले में। तो मैं इसे ट्राई करती हूँ। पास आते हैं वो ये शूज़ हैं, कट शूज़ इसे कहते हैं, और मेरे ख्याल में,
और जो है ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ के नहीं हैं, ये दुबई के हैं। और इसे मैं अपने साथ जो है मरी भी लेके गई थी, जब मैं शादी के बाद गई थी ना घूमने फिरने, तो इसे मैं अपने साथ लेके भी गई थी। तो यहाँ पर अब हमारे पास है हील्स, और हील्स में अब आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हील्स में भी आप लोग ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर कलर्स और ये न्यूड्स कलर्स लाजमी ले लें, ताकि आप लोगों के जो फैंसी सूट्स हो तो उनके साथ आसानी से चल जाए। हमारे पास जो है यहाँ पर ये ब्लैक स्लीपर्स टाइप के हैं, मतलब छोटी सी हीलें मतलब ना होने के बराबर है, तो ये हैं। और ये भी बस मैंने एक ही मरतबा जो है पहने हैं, और ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो है मैं कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि बहुत हार्ड सोल है इसकी। बस ये जूते हैं, इसकी छोटी सी हील है, और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये स्टाइलो का है, और इसे मैंने काफ़ी पहना है। इसकी खस्ता हालत आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो देखते हैं ये कब तक चलते हैं, कब तक साथ देते हैं। मुझे बहुत पसंद है, थोड़े से जो है शाइनी से हैं, आप इसे सिंपल आउटफिट्स के साथ भी पहन सकते हैं और फैंसी के साथ भी। अब मैं इसे ट्राई करती हूँ। अब हमारे पास बारी आती है इस गोल्डन सैंडल की। तो ये सैंडल जो है मेरे ससुराल की तरफ से थी, और इसे भी मैंने बहुत अपने जो है एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस के साथ पहना है, और इस पे ये स्टोन्स लगे हुए हैं। और इसकी हील जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसकी हील भी जो है चौड़ी वाली है, काफ़ी कंफर्टेबल हील है इसकी। तो जो अब हमारे पास बारी आती है वो ये सिल्वर सैंडल हैं, और इसे मैंने मज़े की बात बताऊँ, इसे मैंने एक बार भी नहीं पहना, और इसकी हील भी जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये भी मेरी ससुराल की तरफ से थी, तो अब मैंने सोचा है कि मैं इसे लाजमी पहनूंगी किसी भी सिल्वर आउटफिट के साथ, या कोई भी ऐसा सूट जिसमें सिल्वर एम्ब्रॉयडरी हुई हो। तो जो अब हमारे पास सैंडल है, और ये जो है ये वाली हील्स, ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, और इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह के न्यूड्स कलर भी आप लोग लाजमी लें, जिस पे बिल्कुल मतलब हैवी काम नहीं हुआ हो, बिल्कुल सिंपल सी हो। और ये देखिए इसकी स्ट्रिप भी बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे बीड्स लगे हुए, तो स्टोन्स लगे हुए हैं। तो इसे जो है आप अपनी जो है सिंपल ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं, और हेवी के साथ भी। जो अब सैंडल आती है, ये मेरी बारात की सैंडल थी गोल्डन कलर की, और इसे मैंने बस एक ही मतलब पहना, और ये मेरी वलीमे की थी, ये मुझे बहुत पसंद है, और इसकी हील भी हाई हील थी, तो ये मेरी वलीमे की है सिल्वर, और इसे भी मैंने बस एक ही बार पहना है। और इसके बाद जो है मेरे शूज़ आते हैं जॉगर्स, तो ये जो है इसे भी मैं अपने साथ मरी लेके गई थी जब मैं घूमने फिरने गई थी, तो इसे भी बस मैंने बस तभी वहीं पर जो है मतलब मैंने इसे पहना था, और बस यही थे मेरे शूज़। इतना कहूँगी कि बहुत सारे जूते आप लोग ना लें, क्योंकि हम लड़कियों का फिर बाद में भी दिल करता है तो बाद में ले लेंगे, और यही कहूँगी कि लिमिटेड लें आप लोग, और ऐसे कलर्स लें, ऐसे कलर सेलेक्ट करें कि जो आपके बहुत सारे सूट्स के साथ जो है मैच हो जाए। और बस यही कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन से जूते ज़्यादा अच्छे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।